बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़े की टिप। आज मैं बना रही हूँ घर में गरम मसाला और किस तरह से हम सब खानों में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और बहुत ही आसानी से हमें कहीं से भी मिल जाएगा। तो सबसे पहले मैंने लिया है गरम मसाला, या आप कहीं से भी आसानी से ले सकते हैं। आप किसी भी शॉप वाले से जाके कहें कि हमें चाहिए, आप किसी भी शॉप वाले से जाके कहें कि हमें गरम मसाला दे दे, तो आपको इस फॉर्म में गरम मसाला दे देगा। तो इसमें आप देख लें, दालचीनी है, काली मिर्च है, लौंग है, बड़ी इलायची है, और ये मिक्स मसाला इसको बोलते हैं। आपने इसको लेना है और आपने इससे गरम मसाला तैयार करना है, जो कि आप हर खाने में बड़े मज़े से डाल सकते हैं। सबसे पहले इसको आपने लेकर अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा रोड वगैरह भी होते हैं। तो अब इसको एक पैन में डाल के गरम करेंगे, हल्का हल्का ब्राउन करेंगे। तो मैं इसको इस पैन में डालूँगी, इसमें डाल के आप इसको अच्छी तरह से गरम कर लें। ये मेरे पास ज़्यादा सारा गरम मसाला है, इसको मैं अच्छी तरह से पैन में डालूँगी और मैं इसको हल्का हल्का ब्राउन कर लूँगी। तो ये देखिए, इसका कलर हल्का हल्का चेंज हो गया है। अब हम इसको अच्छे से बारीक कर लेंगे। अब मैं इसको डाल लूँगी, आप इसको किसी भी तरह से पीस लें, बारीक कर लें, बारीक हो ये थोड़ा थोड़ा मोटा भी रहने दें। इसके अंदर मैं सारा डाल लूँगी। जी तो ये मैंने मसाला अच्छी तरह से पीस लिया है। अब क्या करना है, अब हमने इस मसाले में 3 से 3.5 चम्मच खुश्क धनिया ऐड करना है, ठीक है। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ये आपने साथ ऐड नहीं करना है, ये आपने बाद में ऐड करना है। और इसको आपने बहुत अच्छी तरह से बहुत बारीक पीस लेना है। चलिए हम इसको पीस लेते हैं अब। जी तो ये देखें, धनिया हमने पीस लिया है अच्छी तरह से। अब हम इसको गरम मसाले में जो हमने पहले पीसा था उसके अंदर इसको ऐड कर देंगे, अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और हम इसको किसी भी जार में स्टोर कर लेंगे, ठीक है। ये हमारा बहुत ही ज़बरदस्त सालन मसाला तैयार है। इसको आप किसी भी सालन में डालें, गोश्त में डालें, सब्ज़ी में डालें, ये बहुत ही ज़बरदस्त है। इसको आप किसी अच्छे से जार में बहुत लंबे अरसे तक के लिए सेव कर सकते हैं। आप बाज़ार के मसाले को बिल्कुल भूल जाएं, क्योंकि बाज़ार का मसाला अच्छा नहीं होता। पता नहीं उसमें किस किस तरह के केमिकल्स डाले जाते हैं। आप अपना घर में सालन मसाला बनाएं, हर सब्ज़ी में शामिल करें, चिकन में, दाल में, गोश्त में, आप जिसमें मर्ज़ी शामिल करें। इसका बहुत ज़बरदस्त, बहुत मज़े का टेस्ट आता है। चलिए जी, इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।